नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। विडमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौरगी कन्हर नदी में नियम विरुद्ध बालू के खनन की सूचना पर शुक्रवार को शाम को पहुंचे दुधी विधायक राम दुलार गौड़ ने कहा कि कन्हर नदी में किसी भी कीमत पर नियम विरुद्ध बालू का खनन नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यह क्षेत्र काफी गरीब तथा पिछड़ा इलाका है। यहाँ के लोगों को रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो भी बालू लोडिंग को वह स्थानीय मजदूरों से कराया जाए। विधायक ने आगे कहा कि नदी की मुख्य धारा को मोड़कर नदी में बांध बनाया जा रहा है, जो जलीय जीव जंतु के जीवन पर गंभीर खतरा है। इनसेट नदी की चीरहरण को दर्जन भर उतरा पॉकलेन मशीन कोरगी नदी में बालू खनन के लिए कथित कंपनी द्वारा एक दर्जन पॉकलेन मशीन नदी के तट पर उतारा गया है, जिससे विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लीज के आड़ में अवैध खनन की भी आशंका बनी हुई है। इतने व्यापक रूप में पॉकलेन मशीन यहां लाना संदेह के घेरे में है। अभी नगवा साइट का भी निरीक्षण करूंगा और वहां से भी उस अवैध खनन के बारे में चर्चा करूंगा। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अग्रहरी, मनोज मिश्रा, DCF डायरेक्टर संजू तिवारी, शेषमणि चौबे सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, मनीष कुमार की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज़।